हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन या कॉम्पोजिट फंक्शन हम इसको बोलते हैं। फंक्शन जो है वो ज़्यादातर बच्चे जानते हैं क्योंकि टर्म वन के जो सीबीएसई कोर्स में था। कॉम्पोजिट फंक्शन जो है वो सीबीएसई के कोर्स में नहीं है, तो इससे इसका जो इम्पोर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि बच्चों ने इस साल सीबीएसई की जो क्लास ट्वेल्थ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों ने ये जो टॉपिक है वो नहीं पढ़ा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि बाकी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है जैसे तुम्हारे जेई हुआ है ना, तो ऐसे या फिर कोई भी एनडीए वगैरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनमें कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन से जो क्वेश्चन है वो रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो सीयूटी में भी इसके जो चांसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे पास पूछा जाएगा। तो चलिए हम इस टॉपिक को देखते हैं कि क्या होता है कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन। देखो फंक्शन, अभी तक हमने फंक्शन जो है वो आई थिंक सब लोग जानते होंगे कि जैसे ये डोमेन है, ये इधर फंक्शन का कोडोमेन है। एक फंक्शन दो सेट ए से बी में यदि डिफाइन करना हो, सेट ए को हम डोमेन बोलते हैं, सेट बी को हम कोडोमेन बोलते हैं। एक फंक्शन ए से बी यदि हमें डिफाइन करना हो तो हम फंक्शन को इस टाइप से डिफाइन करते हैं कि ए का कोई भी एलिमेंट जो है, ए का कोई भी जो एलिमेंट है वो खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब कोई ना कोई जो इमेज है वो उस एलिमेंट की एग्जिस्ट करनी चाहिए सेट बी में, और हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि एक एलिमेंट की जो इमेज है वो दो आ गई, जैसे एक्स जो है वो ए से भी रिलेट हो गया और एक्स जो है वो बी से भी रिलेट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हम फंक्शन की डेफिनेशन जानते हैं, ठीक है, कि फंक्शन जो है वो एक रिलेशन होता है जो ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के एग्जैक्टली वन एलिमेंट से ही अटैच होना चाहिए, ना तो एक से कम ना एक से ज़्यादा, ठीक है। मतलब यदि यहाँ का एक एलिमेंट खाली भी रह गया तो भी ये फंक्शन नहीं बनेगा, एग्जैक्टली वन एलिमेंट से यहाँ अटैच होना चाहिए। तो कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस में क्या होता है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन दिए जाएंगे और दो फंक्शन को कॉम्पोजिट करके, मतलब उनको दोनों को मिला के एक अपन नया फंक्शन जो है वो डिफाइन करते हैं मैथमेटिक्स में। वो डिफाइन कैसे होता है चलिए उसको एक बार देखते हैं। तो देखो जैसे माना एक एफ एक फंक्शन है जो सेट ए से बी में डिफाइन है, यहाँ पे ए डोमेन हो गया और बी क्या हो गया कोडोमेन हो गया। जी एक फंक्शन है जो कि बी से सी में डिफाइन है, देन द कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी है ना, कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी, ये ध्यान रखना ये दोनों टाइप से डिफाइन हो सकता है, गोफ से भी डिफाइन मतलब जी ऑफ एफ से भी डिफाइन हो सकता है, एफ ऑफ जी मतलब फोग से भी डिफाइन हो सकता है। कैसे डिफाइन होता है वो अपन अभी देखेंगे। इज डिनोटेड एज द फंक्शन गोफ। अब देखो ये तुम्हारा फंक्शन है एक एफ, ये जैसे मान लो एक फंक्शन है एफ जो कि सेट ए से सेट बी में डिफाइन है, यहां से यहां तक एक फंक्शन है एफ, ठीक है। अब देखो तुम खुद सोचो, मैं सेट ए के एलिमेंट को यदि उठाऊंगा और उसमें एफ ऑपरेट करूंगा तो जो एलिमेंट्स हैं वो कहां पे पहुंच जाएंगे, बी के पास पहुंच जाएंगे। भाई एफ ऑपरेट होगा, जैसे यहां पे मान लो मैं ऐसे बोलूं वन टू थ्री, यहां से है ए और बी, एक सेट है सी यहां पे जो कि मैं बोल दूं एक्स वाई जेड, ये मान लो तीन एलिमेंट इसमें है, और एफ जो फंक्शन है वो मैं इस टाइप से डिफाइन कर दे रहा हूं, ये यहां से अटैच हो गया, ये यहां से, ये इससे ऐसे अटैच हो गया, तो फंक्शन तो है ही है ना। तो देखो एफ जो है वो एक फंक्शन है, अब मैं एफ ऑफ वन मतलब वन रखूंगा तो एफ ऑफ वन कहां पे पहुंच गया, सेट बी में पहुंच गया ना, ए आ गया, और ऐसे ही एफ ऑफ टू भी है और एफ ऑफ थ्री जो है वो भी कितना है बी है, ठीक है। और जैसे मान लो ए की जो इमेज है वो एक्स मिल रही है, बी की इमेज है वो जेड मिल रही है, यहां से यहां पे जो फंक्शन डिफाइन है वो जी डिफाइन है, ध्यान रखना, ठीक है। यहां से ए से बी में एफ डिफाइन है, ए से बी में एफ डिफाइन है, बी से सी में जी डिफाइन है, ठीक है। तो कॉम्पोजिट फंक्शन जो है गोफ वो होता क्या है, मतलब जी के अंदर हमें एफ एक्स रखना है, जी के अंदर एक्स की जगह हमें क्या रखना है एफ एक्स रखना है। तो देखो हो भी ऐसे ही रहा है, एक्चुअली हमने जी के अंदर रखा क्या है, बी के एलिमेंट तो रखे हैं, जी के अंदर बी के एलिमेंट तो रख रहे हैं, तो जो बी के जो एलिमेंट है हम ये बोल सकते हैं कि एफ की इमेज है बी के एलिमेंट, तो जी के अंदर तो एफ एक्स ही रखा जा रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स आप ए से कोई भी उठाओ। देखो अब यहां पे मैं जैसे मान लो तुम्हें जी ऑफ एफ ऑफ वन की वैल्यू पूछूं है ना, तो यहां से क्या आएगा जी ऑफ एफ ऑफ वन, और जी ऑफ एफ ऑफ वन
एफ ऑफ वन कितना है, ए है, इसका मतलब जी ऑफ ए पूछा है और जी ऑफ ए अपने पास कितना है, एक्स है। इस टाइप से हम जी ऑफ एफ गो फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ में आई है ना? तो दो फंक्शन मिलेंगे, जो एक फंक्शन ए से बी में डिफाइन हो रहा होगा, एक बी से सी में डिफाइन हो रहा होगा। तो इन दोनों को मिक्स करके हम एक फंक्शन बनाते हैं, गो फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन की एक विशेषता देखो, हमें खासियत जो है वो हम देखते हैं। जैसे मान लो मैं यदि ये बोलूं कि एक चीज समझो, जैसे यहां पे एलिमेंट एक मैं सी और ले लूं, एक एलिमेंट सी ले लूं, अब बताओ क्या ये गो फंक्शन जो है वो डिफाइन हुआ, क्या ये जो गो फंक्शन है वो डिफाइन हुआ? तो अब ये जो फंक्शन है गोफ, ये डिफाइन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो जी अब ये फंक्शन रहा ही नहीं ना। इसके लिए गोफ के लिए एफ भी फंक्शन होना चाहिए और जी भी फंक्शन होना चाहिए, दे रखा ना, एफ और जी दोनों फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। अब ये जी तो फंक्शन रहा ही नहीं, क्योंकि एक जो एलिमेंट है वो जी का, एक जो एलिमेंट है वो यहाँ पे डोमेन का खाली रह गया, क्योंकि अकेले जी को देखो तो डोमेन का एक एलिमेंट खाली रह गया। इसका मतलब जी जो है यहाँ पे फंक्शन नहीं रहा, तो अब ये जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है ये डिफाइन नहीं रहेगा। तो हम एक चीज देख सकते हैं, फॉर कॉम्पोजिशन, गोफ टू बी डिफाइंड होना क्या चाहिए, जो इसकी जो रेंज है ना, एफ की जो रेंज है वो पक्का सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी का। डिफाइन रेंज ऑफ एफ, इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ये वाला जो रिलेशन है वो हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए। ये वाला जो रिलेशन सेटिस्फाई यदि नहीं हुआ, ये एक्चुअली डोमेन है ना, ये यदि रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब जो रेंज है वो डोमेन के बाहर ही चलेगी, तब तो जो फंक्शन है, जो देखो यदि डोमेन जो है वो रेंज के बाहर ही चलेगी, जैसे मान लो ऐसे बोलूं कि ये जो थ्री है वो यहां से अटैच ना हो कि बी के पास अटैच है, लेकिन सी की कोई इमेज है ही नहीं यहां पे, तो जो रेंज जो है यदि डोमेन का सबसेट नहीं हुई, तो जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है वो मेरा डिफाइन ही नहीं होगा। तो ध्यान रखना, कॉम्पोजिशन कब डिफाइन हो सकता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। फोक कब, जो गोफ जो है वो कब डिफाइन होगा, ध्यान रखना, यहां पे यदि गोफ लिखा है तो इनर फंक्शन की, इसको बोलते हैं इनर फंक्शन, इसको बोलते हैं हम आउटर फंक्शन, तो इनर फंक्शन की जो रेंज है वो हमेशा आउटर फंक्शन की डोमेन की सबसेट होनी चाहिए, ठीक है। यदि इससे सबसेट नहीं हुई, सबसेट से बाहर चलेगी, तब जो गोफ है वो डिफाइन कभी भी नहीं होगा। तो चलिए इसको थोड़े एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं कि किस टाइप से जो गोफ है वो डिफाइन होता है। तो देखो एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन दिया हुआ, एक फंक्शन है f जो कि 2, 3, 4, 5 से डिफाइन है। ये f, ये मान लो सेट a है, इसको मैंने सेट a मान लिया, ये सेट b है, तो ये सेट b है तो एग्जैक्टली सेम ही सेट है, तो ये भी सेट b है और इसको c मान लिया। तो एक फंक्शन है जो कि a से b में डिफाइन है, दूसरा हम फंक्शन करेंगे b से c में डिफाइन। तो a में कौन कौन से एलिमेंट है जरा लिख दे, 2, 3, 4, 5। b में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 3, 4, 5, 9। और सी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 7, 11 और 15। तो ये तीन सेट आए। और अब हम एक बार ये भी चेक लेते हैं, कर लेते हैं कि डेफिनेशन कैसे दे रखी है। एफ ऑफ टू जो है वो थ्री दे रखा है, मतलब ये फंक्शन एफ डिफाइन है, ये फंक्शन जी है। एफ ऑफ टू जो है वो थ्री दे रखा है, एफ ऑफ थ्री जो है वो फोर दे रखा है, एफ ऑफ थ्री जो है वो फोर दे रखा है, एफ ऑफ फोर और एफ ऑफ फाइव जो है वो दोनों के दोनों फाइव दे रखे हैं। तो f जो फंक्शन है वो कुछ इस टाइप से डिफाइन है, चमका, f जो फंक्शन है वो इस टाइप से डिफाइन है। अब हम g पे चलते हैं, g ऑफ 3 और g ऑफ 4 जो है वो 7 दे रखा है, 3 और 4 जो है वो 7 दे रखा है, 5 और 9 की वैल्यू जो है वो 11 दे रखी है। ये फंक्शन g डिफाइन हुआ, ये जो फंक्शन है वो g डिफाइन हो गया। देन gof, हमें gof की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो हमें gof डिफाइन करना है कि gof किस टाइप से डिफाइन होगा, बात समझ में आई? तो देखो कैसे डिफाइन होगा, गोफ के अंदर रखेंगे एलिमेंट कौन से, हमेशा सेट ए से ए के जो एलिमेंट है वो रखेंगे। ध्यान रखना यदि एफ ए से बी में डिफाइन है
और जी जो है वो बी से सी में डिफाइन है, तो जो गोफ जो है वो हमेशा ए से सी में डिफाइन होगा। ए के एलिमेंट रखे जाएंगे, जो गोफ का जो डोमेन होगा वो एफ का डोमेन होगा और जो रेंज है वो जी की रेंज होगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो गोफ में देखो, सबसे पहले हम गोफ में जो डोमेन है वो सेट ए होता है गोफ का, तो डोमेन जो है ए होगा। तो हम सबसे पहले 2 के ऊपर इसकी वैल्यू चेक करते हैं, फिर डोमेन के एलिमेंट्स के ऊपर तो वैल्यू चेक करेंगे। तो g of f of 2 कितना आया? पहले अब f of 2 की वैल्यू देखो, f of 2 की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो मतलब g of 3 की वैल्यू पूछी है, तो g of 3 की वैल्यू कितनी आई? 7। तो अब गोफ की 2 के ऊपर वैल्यू कितनी है? 7 है ना। ऐसे ही तुम अलग अलग वैल्यू, जो जैसे गोफ ऑफ 3 है ना, गोफ ऑफ 3 भी तुम डिफाइन कर सकते हो। गोफ ऑफ 3 का मतलब g ऑफ f3। अब f3 के ऊपर वैल्यू 4 है, तो f3 जो है वो तुम्हारे पास 4 है, मतलब g ऑफ 4, और g ऑफ 4 वापस से कितना दे रखा तुम्हें? 7 दे रखा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। ऐसे ही 4 के ऊपर वैल्यू चेक करनी हो तो तुम 4 के ऊपर भी वैल्यू चेक कर सकते हो, ये कितनी आ गई? g ऑफ f ऑफ 4। तो g ऑफ f ऑफ 4, f ऑफ 4 कितना है? 5। तो g ऑफ 5, और g ऑफ 5 कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। तो इस टाइप से तुम गोफेक्स डिफाइन करते हो। गोफेक्स में हर एक पॉइंट के ऊपर तुम गोफ की जो वैल्यू है वो डिफाइन कर सकते हो। तो बात समझ में, कैसे जो फंक्शन है, कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन है, वो डिफाइन होता है। देखो, ना तो f ऐसा था, क्योंकि f ऑफ 2 जो है वो 3 मिल रहा था, g में तो 2 था ही नहीं, बट यहाँ पे हमने गोफ एक ऐसा फंक्शन, एक अलग फंक्शन बना दिया जिससे गोफ ऑफ 2 की वैल्यू 7 आ रही है, गोफ ऑफ 3 की वैल्यू 7 आ रही है, गोफ ऑफ 4 की वैल्यू 11 आ रही है। ऐसे ही गोफ ऑफ 5 की वैल्यू देखेंगे तो वो भी 11 आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हम एक नया फंक्शन जो है वो कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन बना सकते हैं। ये तो है कि कैसे जो फंक्शन है उसकी, गोफ फंक्शन की, कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन की जो वैल्यू है वो हम किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट जो नोट है वो हम यहाँ पे देखते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज है वो हम देखते हैं। हमें बोला कि गोफ और फोग दोनों डिफाइन करो। यदि फोग, ये आर से आ रही है, रियल नंबर है ना, ये रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। जी भी जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर के सेट पे डिफाइन है। एफ एक्स हमें दे रखा है कोस एक्स, और जी एक्स हमें दे रखा है 3x2। तो देखो, सबसे पहले हम यदि गोफ डिफाइन करें, गोफ क्या होता है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ध्यान रखना ना, गोफ मतलब, गोफ का मतलब है जी के अंदर एफ एक्स रखना है। तो एफ एक्स कितना है? जी के अंदर एफ एक्स रखना है। एफ एक्स है अपना कोस एक्स, जी के अंदर कोस एक्स रख दिया। जी क्या है? 3x2, मतलब जो भी एक्स रखोगे जी क्या करेगा? उस एक्स के स्क्वायर करके 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये कितना आ गया? 3, और एक्स कितना है यहाँ पे? कोस एक्स, तो ये आ गया कोस एक्स का स्क्वायर। तो जो गोफ है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? गोफ एक्स कैसे डिफाइन हुआ? 3cos2x। अब अगेन यदि हम ऐसे ही फोग की बात करें, तो फोग का मतलब हुआ f के अंदर g रखना है, है ना। तो f के अंदर यदि g रखना है तो f के अंदर g कितना है? 3x2, मतलब f में x की जगह 3x2 रखना है ना। तो x की जगह 3x रखो, x की जगह 3x2 रखोगे तो ये आ जाएगा cos 3x2। अब जरा ध्यान से देखो, जो बेहद इंपॉर्टेंट जो चीज है, अब जरा ध्यान से देखो, तुम ये देखो, क्या फोग और गोफ जो है वो क्या इक्वल है? फोग, गोफ जो है वो आया 3 cos2x, गोफ जो फोग जो है वो आया कोस ऑफ 3x2। तो हम यहां से देख सकते हैं, देयर फोर गोफ, फोग जो है वो गोफ के बराबर कोई जरूरी नहीं होता कि ये दोनों इक्वल हो जाएं जनरली। ठीक है, जनरली यही होता है कि दोनों जो है, कभी कभी हो सकता है दोनों बराबर हो जाएं, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन आ गया इनमें से कोई फंक्शन, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि हमेशा बराबर ही हो। गोफ और फोग जो है वो अलग अलग ही होते हैं। ऐसी चीज जो है तुम मैट्रिक्स में भी पढ़ते हो, जहां पे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब ए इंटू बी जो है वो बी इंटू ए के बराबर नहीं होता। तो ऐसे ही फोग जो है वो गोफ के बराबर भी नहीं होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये तुम्हें याद होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आगे जो कुछ एक जो नोट है वो ध्यान रखना, ये जो जो चारों जो नोट है ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनके बेहद काफी इंपॉर्टेंट जो नोट है ये हैं, और काफी इंपॉर्टेंट माने भी जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्टार्टिंग में जब जेई स्टार्ट हुआ था तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो जेई ने भी पूछे थे। तो आशा है कि सीयूटी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगी। तो देखो, ये चीज ध्यान रखना क्या है, जब एफ और जी दोनों 1-1 हो,
है ना, नोट क्या है, जब एफ और जी दोनों 1-1 हो तो गोफ भी हमेशा क्या होगा, 1-1 होगा। बस ये डिफाइन होना चाहिए, ऐसे नहीं हो कि डिफाइन नहीं हो, मैं मान के चल रहा हूँ कि फोग जो गोफ है वो डिफाइन है, ठीक है, गोफ और फोग इसमें दोनों 1-1 होंगे। यदि दोनों फंक्शन 1-1 है तो उसका कॉम्पोजिशन भी 1-1 होगा, यदि दोनों फंक्शन ऑन टू है तब उनका जो कॉम्पोजिशन भी है वो भी क्या होगा, ऑन टू होगा, ठीक है। तीसरा क्या है, अब एफ और जी 1-1 दोनों 1-1 है, दोनों ऑन टू है, तब तो हमने देख लिया कि जब दोनों 1-1 है तो कॉम्पोजिशन भी 1-1 होता है, जब दोनों ऑन टू है तो कॉम्पोजिशन भी उनका ऑन टू होता है। अब हम एक बार जरा कॉम्पोजिशन को पहले लेके देखते हैं कि गोफ जो है वो 1-1 होगा तो क्या होगा, गोफ जो है वो ऑन टू होगा तो क्या होगा। तो ध्यान रखना, गोफ जब 1-1 है तो इनर फंक्शन जो है वो 1-1 होना ही चाहिए, आउटर फंक्शन के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। आउटर फंक्शन मैनी वन भी हो सकता है और 1-1 भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल में हम ऐसे समझ सकते हैं, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, ये तुम्हारा फंक्शन एफ है, ये जी है, तो यहाँ से ए बी, यहाँ बोलो एक्स वाई जेड, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, ए जो है ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच हुआ, ये इससे अटैच हुआ, ये इससे अटैच हुआ। अब देखो यहाँ पे एफ 1-1 है, है ना, जी 1-1 नहीं है, जी जो फंक्शन है वो मैनी 1 है, लेकिन तुम गोफ डिफाइन करोगे तो इसमें 1-1 आएगा ही आएगा, वो इसमें तुम देख सकते हो खुद कि जो गोफ है वो डिफाइन करना, गोफ जो है वो इसमें 1-1 आएगा। तो गोफ जब 1-1 है तो इनर फंक्शन 1-1 होना चाहिए, आउटर फंक्शन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, और गोफ जब ऑन टू है तो आउटर फंक्शन जो है वो ऑन टू होना चाहिए, इनर फंक्शन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बात समझ भाई, तो जो चारों जो नोट हैं वो ध्यान रखने, और कोई भी इस वीडियो के से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसके डाउट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आराम से पढ़ते रहिए, सीयूटी की प्रिपरेशन जारी रखिए, और हमारे जो वीडियोस हैं उनका खूब अच्छे से फ़ायदा उठाए कि आपके कोई भी जो डाउट है वो नहीं रहना चाहिए। किसी भी वीडियो की किसी भी यदि पार्ट में तो दिक्कत आती है तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, जो भी तुम्हारी जो फैकल्टी हैं जो वो चीज़ पढ़ाती हैं वो तुम्हें उस डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है।